पंजाब का मैदान, खिलाड़ियों के नाम, 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, 19 के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज मुकम्मल। मुल्तान, डेरा गाजी खान, शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, खुशाब समेत 15 सीटें पीटीआई ने जीत ली। 3 हलकों से नून लीग कामयाब, 1 आजाद उम्मीदवार की भी फतह। लाहौर का मार्का भी तहरीक इंसाफ के नाम, PP-158 से मियां अकरम उस्मान, PP-167 से शबीर अहमद गुज्जर और PP-170 से जहीर अब्बास खोकर की फतह। PP-168 से नून लीग के असद खोकर कामयाब। बेटे ने बाप की शिकस्त का बदला ले लिया, PP-217 मुल्तान से तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी, 46,427 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के सुलेमान नईम का दूसरा नंबर, 2018 के इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी इसी हलके से इसी उम्मीदवार से हारे थे। नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवामी फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, कमजोरियां दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह खैर होगी। मरियम नवाज कतवी। हमने नून लीग के साथ रियासती मशीनरी को भी हरा दिया, मुकम्मल तौर पर जानेदार इलेक्शन कमीशन को शिकस्त पर वर्कर्स का शुक्रिया। आम इंतखाबात यहां से आगे बढ़ने का वाहिद जरिया, कोई और रास्ता अपनाया गया तो मुल्क मजीद बहरानों से दो चार होगा, सियासी बेयकीनी फैलेगी, मौशी अफरा तफरी में भी इजाफा होगा। इमरान खान का ट्वीट। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज, इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में जीत, इमरान खान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पीटीआई चेयरमैन ने कहा तो असेंबली तोड़ने में 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मरियम नवाज की जानिब से शिकस्त का एतराफ, अच्छी रिवायत, नून लीग आए बात करे, इलेक्शन ना लड़े मिलकर चलने का अहद करे, परवेज इलाही का मशवरा। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब के तख्त पर कौन बैठेगा? हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान दरकार, नून लीग को वजारत आला बरकरार रखने के लिए 11 नशस्तों की जरूरत, तहरीक इंसाफ को दोबारा इक्तदार में आने के लिए 13 सीटें दरकार। दुनिया न्यूज सबसे पहले सबसे तेज, पहला नतीजा दुनिया न्यूज के पास, PP-158 लाहौर, जहां तहरीक इंसाफ के अकरम उस्मान 135 वोट लेकर आगे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राणा एहसन शराफत 57 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया न्यूज की सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार, फॉर्म 45 के साथ सबसे पहला इंतखाबी नतीजा नाजरीन तक पहुंचाने का एहसास, अवाम को 20 हलकों में पोलिंग के दौरान लम्हा बालम्हा सूरत हाल से आगाह। इलेक्शन में वाज़े बर्तरी, फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम, खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद, कई मकामात पर आतिशबाजी, कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर नारेबाजी, केक भी काटा गया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, दिन भर लड़ाई झगड़े, लाहौर के हलका PP-158 और 168 में तसादुम, नून लीग और पीटीआई कारकुन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, एक शख्स जख्मी, शेखुपुरा में फायरिंग, 14 साल लड़का जां बहक, जंग में डंडे चल गए, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी हाथापाई।
मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया। कैदियों की वैन के जरिए मुंतकली, मेरे साथ कोई एफसी एहलकार नहीं, निजी एजेंसी से लिए गए गार्ड से बगैर वारंट पकड़ा गया। ये इलेक्शन चोरी का तरीकाकार है, पीटीआई रहनुमा का मौके। शहबाज गिल पर ज़ाब्ता अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला, अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। निजी सिक्योरिटी इदारों को वफाकी पुलिस जैसी वर्दी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस की लाइट और मोनोग्राम भी नहीं लगाया जा सकता। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से आईजी पंजाब का मौके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शरपुरी नु भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा रहा कोई गल नहीं के तो अजी मेरा कोई इंडिया नाल गल कर ना तो अजी मेरे भाई लाहौर निकले नी इलेक्शन जबरदस्त अजय ठहर के निकला गए जिस दस बजे ने मैं चली उन्होंने जो लगे हैं सवेर चलो हाँ खबर देंगे तुम थोड़ी देर बाद शेख रशीद और गुलजमान नामी शख्स की मुबैना ऑडियो लीक, जलील शरकपुरी को पेमेंट कर दी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का सवाल, अल्लाह के बंदे ये टेलीफोन है। मुखातिब का जवाब, कुछ नहीं होता, मैंने आपकी वजह से लाहौर में जीत का दावा किया, आप लोग अभी तक निकले नहीं। साबिक वजीर दाखला का फिर इस्तफसार, अभी तो 10 बजे हैं, फोन पर लगे थे, आगे देखते जाओ। गुलजमान का जवाब, मेरे नाम से जो ऑडियो राणा सनावला उजरती कातल ने जारी की है, जिसने फोन को जोड़कर ऐसी बातें मंसूब की हैं जिससे किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत को मजरूह किया जाए, जलील शरकपुरी की मैं हलफ पे कसम खाता हूं कि वो नेक इंसान है और मेरा उनसे कोई सियासी तल्लक और रिश्ता नहीं है। जलील शरकपुरी शरीफ आदमी हुकूमत को इस बात की तकलीफ है कि उन्होंने परवेज इलाही को इस्तीफा क्यों दिया। राणा सनाउल्लाह ने जो ऑडियो जारी की वो जोड़कर बनाई गई, मकसद इज्जत और साख को नुकसान पहुंचाना है। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, शेख रशीद ने इतवार की सुबह कॉल की, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने पेमेंट की बात की तो मैंने रोक दिया, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। जलील शरकपुरी तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। गुलजमान का एतराफ, आज मैं पुराने पाक में हाथ रख के कहता हूं, शेख रशीद आपके लिए दो नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है, और ये किसी के कहने के ऊपर ये किया है जस्ट इमेज खराब करने के लिए। शेख रशीद का ना मेरे से तल्लक है ना मुलाकात है। शेख रशीद की जानिब से पैसों की बात का इल्म मीडिया से हुआ। साबिक वज़ीर दाखला इमरान खान के दुश्मन है, ऑडियो किसी के कहने पर रिकॉर्ड कराई, मेरी इनसे कोई जान पहचान नहीं। जलील शरकपुरी का रद्द अमल, जमान साहब जो है वो फ्रंट मैन है चौरी परवेज इलाही के, इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो कि ये बात जो है वो दुरुस्त है। शेख रशीद साहब ने जो उसे कहा है कि पेमेंट कर दी है, और ये जो मियां जलील शरकपुरी है इंतहाई लालची और इंतहाई जो है वो यानी गिरा हुआ इंसान है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पैसे लिए हो। गुलजमान परवेज इलाही का फ्रंट मैन, सब उसको जानते हैं। जलील शरकपुरी इंतहाई लालची हैं, पैसे लिए होंगे। ऑडियो लीक का क्रेडिट मीडिया को जाता है। राणा सनाउल्ला का रद्द अमल, शहबाज गिल के साथ निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को एफसी जैसी वर्दी पहनाई गई, आला सतह इंक्वायरी हो, जो भी मुलव्वस हुआ कानून की गिरफ्त में आएगा। वफाकी वजीर दाखला की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
पंजाब में शिफाफ और गैर जानबदार जिमनी इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया गया। अमन आमा की फजा बरकरार रखने के लिए तमाम विसाइल बुरे कार्ड लाए गए। आवाम ने पुरअमन माहौल में अपना हक रायदेही इस्तेमाल किया। वजीर आला हमजा शहबाज की तमाम मुतालका इदारों को मुबारकबाद। जहरा की बाजियाबी का मामला, महकमे दाखिला सिंध ने पुलिस को इजाजत दे दी। शोहर जहीर की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी। कार्रवाई के लिए पंजाब हुकूमत की इजाजत जरूरी। एक और भारतीय प्रवास की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो एयरलाइंस की एयरबस 320 में तकनीकी खराबी। 186 मुसाफिरों का ट्रांजिट लाउंज में कयाम। तैयारी की मरम्मत के बाद मंजिल की जानिब रवान की। वर्ल्ड टेस्ट का आज तीसरा रोज। श्रीलंका 40 रन की मजमुई बर्तरी से दूसरे इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम की 9 विकेटें बाकी। दूसरे रोज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप। पूरी टीम 218 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम की 119 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स।